हाजिर नजर बिलोंग टीम में आप तमाम का खैर मकदम है। कलम ने इसी वक्त आपके सामने ये न्यूज़ पेश की थी कि रियासत में हो सकता है कि हाफ लॉकडाउन रहेगा, यानी दोपहर एक बजे तक खुला रहेगा और दोपहर एक बजे से लॉकडाउन रहेगा। इस सिलसिले में ये भी बताया था कि माहिरीन ने वजीर आला को चंद सिफारिशात की हैं, उन सिफारिशात पर गौर करने के लिए जुमेरात के दिन एक काबिनी इजलास तलब किया गया है, यानी कैबिनेट मीटिंग जुमेरात के दिन रखी गई है। लेकिन आज रियासत में तकरीबन 2479 केस कोरोना के पॉजिटिव आए और इसमें से 2053 केसेस सिर्फ बेंगलुरु से मुतालिक हैं। इतने केसेस अचानक सामने आने से आज एक एमरजेंसी काबिनी इजलास वजीर आला ने मुनक्किद किया, जिसमें कई एक अहम फैसले लिए गए। इन अहम फैसलों में एक अहम फैसला ये भी है कि आने वाले 2 हफ्तों के लिए रियासत भर में वीकेंड लॉकडाउन रखा जाएगा, यानी जुमे की रात से वीकेंड लॉकडाउन शुरू होगा और हफ्ता इतवार 2 दिन वीकेंड लॉकडाउन रहेगा। ये वीकेंड लॉकडाउन 6 फरवरी से शुरू होगा, यानी आने वाले हफ्ता और इतवार को वीकेंड लॉकडाउन रहेगा। उसी तरह अगले हफ्ते और इतवार को भी वीकेंड लॉकडाउन रहेगा। ये रूल 15 दिनों के लिए बनाए गए हैं, उसके बाद फिर मजीद गौर करते हुए सूरत हाल का जायजा लेते हुए नए इकदाम किए जा सकते हैं। फिलहाल के लिए 2 हफ्तों तक वीकेंड लॉकडाउन रखा गया है, यानी हफ्ता और इतवार को लॉकडाउन रखा गया है और ये पूरी रियासत के लिए है। जबकि इन कोरोना केसेस को देखते हुए बेंगलुरु शहर के तमाम स्कूल और कॉलेजों को बंद कर दिया गया है, सिवाय मेडिकल कॉलेजों के बकिया तमाम डिग्री कॉलेजों को भी बंद किया गया है। PUC फर्स्ट ईयर के कॉलेजों को भी बंद किया गया है। इसी तरह जमात तक के तमाम तलबा को भी छुट्टी दी गई है। सिर्फ 10वीं जमात और 12वीं जमात के क्लासेस चलेंगे और मेडिकल के डिग्री कॉलेजेस चलेंगे। बकिया तमाम क्लासेस के तलबा को छुट्टी दे दी गई है और ये कहा गया है कि उनकी ऑनलाइन क्लास ली जा सकती है। साथ ही साथ आज के काबिनी इजलास में कुछ और भी अहम फैसले किए गए, जिनके तहत रियासत भर में तफरूस नाफिज़ करने की भी बात कही गई है। इसी तरह शादी ब्याह वगैरह में सिर्फ अब 100 अफराद ही शिरकत कर सकेंगे और किसी की आखिरी रसूमात की अदायगी में सिर्फ 20 अफराद ही शिरकत कर सकेंगे। इसके साथ देकर कई एक रिस्ट्रिक्शन भी जारी किए गए हैं। मजीद तफसीलात हम कल आने वाली वीडियो में पेश करेंगे। मुंदिन एरडु वारा 6ने तारीखिंद शुक्रवार रात्रि 10 रिंद सोमवार बेळग्गे 5 गंटे वरेगे वीकेंड कर्फ्यू जारी गोळिसलु तीर्मानिसलागिदे। आहार वस्तु हालु तरकारी औषधि अगत्य वस्तुगळु होटेल्गळल्लि पार्सल मात्र सेवे इरुत्तदे। नाइट कर्फ्यू विस्तरिसलक्के तीर्मान माडिदिरि। 7ने तारीख मुगीता इदे, अदन्न मुस्तहतिरि 2 वार सरकारी कचेरी मामूली सरकारी कचेरी मालगे मार्गसूची सरकारी कचेरी इतर कचेरी भारत सरकार मार्गसूची ऐन अदरते अनुसरिसलु तीर्मानिसलागिदे। चित्रमंदिर माल बार पब क्लब इतर एल्ला सार्वजनिक स्थळगळल्लि 50 सामर्थ्यद अनुमतिगे तीर्मानिसलागिदे। चित्रमंदिर माल पब बार एल्ला सार्वजनिक स्थळगळल्लि 50% सामर्थ्य अनुमतियन्नु कोट्टिदिरि। भेटि नीडुवरु डबल डोस कंपलसरि। ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮದುವೆ ಹೊರಾಂಗಣದಲ್ಲಿದ್ದರೆ 200 ಜನ, ಮದುವೆ ಹೊರಾಂಗಣದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಒಳಾಂಗಣದಲ್ಲಿದ್ದರೆ 100 ಜನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದಿರಿ, ಅದು ಕೂಡ ಡಬಲ್ ಡೋಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ। ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ 10 ಮತ್ತು 12ನೇ ತರಗತಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದೆಲ್ಲವನ್ನ ಆಫ್ಲೈನ್ ತರಗತಿಯನ್ನ 2 ವಾರದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ। ಉಳಿದಂತದೆಲ್ಲ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುವಂತದಕ್ಕೆ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ। ನಾಳೆ ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಈ ಕೋವಿಡ್ ರೂಲ್ಸ್ ಜಾರಿಗೆ ಬರ್ತೈತೆ। 10 ಮತ್ತು 12ನೇ ತರಗತಿ ಮಾತ್ರ ಓಪನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ।